हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फटाफट से बनने वाला बहुत ही यूनिक नाश्ता की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेयोनीज सैंडविच। इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो चाहे बच्चों का टिफ़िन हो या फिर शाम का नाश्ता, किसी भी टाइम इसे आप बना करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से मेयोनीज सैंडविच बनाना स्टार्ट कर। सैंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका एक मिक्सर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ा बाउल, उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज की प्याज और एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई टमाटर, और साथ ही साथ डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया, तो धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 1 कटोरी के बराबर मेयोनीज और टेस्ट अनुसार नमक, और साथ ही साथ इसे और भी ज़्यादा चटपटा और तीखा बनाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम हल्के हाथों से चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सैंडविच की स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए फटाफट से हम इसका सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया सैंडविच बनाने के लिए लगभग 4 से 5 ब्रेड की स्लाइस, तो बाकी स्लाइस को हम रख देंगे साइड में, और यहाँ पे 1 ब्रेड की स्लाइस लेंगे और स्टफिंग जो हमने तैयार की है उसे चम्मच की हेल्प से ब्रेड की स्लाइस पे अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे हम दूसरे ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रेड मेयोनीज सैंडविच बनकर तैयार हो गया। इसी प्रोसेस से बाकी के जो हमारे ब्रेड की स्लाइसेस हैं उसे हम सारे सैंडविच यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 ब्रेड सैंडविच बनाकर तैयार कर लिया। इसे हम फटाफट से सेक लें। इसे सेकने के लिए हम यहाँ पे लेंगे पैन, आप कोई भी नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, और पैन में डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और ऑयल को अच्छे से यहाँ पे हम होने देंगे गर्म। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कड़ी पत्ते। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ब्रेड सैंडविच बना के रखे हैं उसे हम बीचों बीच सेंटर में पैन के रख देंगे। तो ये जैसे ही वन साइड से हल्का क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा इसे हम थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से प्रेस कर लेंगे जिससे ये बहुत ही अच्छे से एक साइड से पक जाए, तो इसे दूसरी साइड से भी हम पका करके सेक लेंगे। तो इसे हम दोनों ही साइड से क्रिस्पी और कुरकुरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक मेयोनीज ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रोसेस से हम बाकी सारे के ब्रेड मेयोनीज सैंडविच बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ब्रेड मेयोनीज सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो बहुत ही कम तेल का यूज़ करके बना हुआ है। तो आप चाहे इसे ऐसे सर्व कीजिए या फिर आप इसे बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो टमाटो केचप के साथ इसे 2 पीस में काट करके सर्व कीजिए, जिससे ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बच्चे बहुत ही प्यार से इसे खा पसंद करेंगे। हेल्दी नाश्ते को आप कभी भी किसी भी टाइम, बच्चे हो या बड़े, या फिर शाम की छोटी मोटी भूख हो, किसी भी टाइम बना करके सर्व कर सकते हैं। तो ये तो फटाफट से बनने वाली ब्रेड मेयोनीज की सैंडविच आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।